हेलो एवरीवन, आई एम योर कोच दीपक वाधवा हेयर। सो आज एग्जाम था आरआरबी एसओ का, कंडक्ट करता है से आईबीपीएस। वीडियो जरूरी थी आप लोगों के लिए, बिकॉज अगेन आपकी रिक्वेस्ट मुझे ले आती है यूट्यूब पे भी, मैं व्हाट्सएप पे उतना रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो बच्चे जब पूछ रहे थे कि सर कौन से क्वेश्चन आए आंसर की, सो आई थॉट कि क्वेश्चन अगर दिखाता, वैसे ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, बट इम्पोर्टेंट था आपको क्वेश्चन देना। तो अभी लिमिटेड क्वेश्चन 34 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 जो हमने कवर करे, वो मैं आपको इस पीपीटी में प्रेजेंटेशन में वीडियो में दिखाने वाला हूँ। बाकी जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन है, या फिर रिमेनिंग आपके टोटल जो 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 क्वेश्चन के साथ अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, जहां पे आपको क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी और प्रॉपर उसके आंसर भी देता हूँगा। अभी के लिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम के अंदर आए। बिकॉज देखो एग्जाम ने क्या करा, एग्रोनॉमी क्वेश्चन थे बिकॉज मेन सब्जेक्ट है, बट एग्रोनॉमी पे ज्यादा फोकस नहीं था। देन करंट अफेयर्स 40 में से ओनली सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर से था, ज्यादा कहाँ से थे, एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस था, प्लांट ब्रीडिंग से क्वेश्चन पूछे गए, हॉर्टिकल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। तो बात ये कि डाइवर्स है, बहुत डाइवर्स है, ये बोलना कि एग्रोनॉमी ही मेजर सब्जेक्ट है, ये बोलना कि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, वी कांट से एनीथिंग, है ना, नहीं बोला था इसके बारे में। बिकॉज देखो ना यार, एक क्वेश्चन पूछ रहा है करंट अफेयर से, नाउ पीपल आर फोकस ऑन करंट अफेयर्स ओनली, दे आर रीडिंग द करंट अफेयर्स ऑल द टाइम। व्हेन आई एम रिसीविंग कॉल फ्रॉम द स्टूडेंट्स, है ना, वो क्या बोलते हैं, सर करंट पता नहीं कितना करंट, समझना पड़ेगा हमें, है ना, पैटर्न बहुत चेंज होता जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से आए थे, है ना, ये जरूरी है समझना हमें। तो जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन का जो फोकस था ना, ये फोकस थोड़ा सा अलग था। कैसे अलग था, मतलब जैसे ट्रेडिशनल एक पैटर्न है ना कि एग्रोनॉमी सोयल पे चलना या फिर हॉर्टिकल्चर, वैसा भी नहीं था। और प्लस आपका जो क्वेश्चन था वो ऐसे भी नहीं था कि वो फोकस कर जाए करंट अफेयर से। सो लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि कैसा सोर्स था या फिर कैसे क्वेश्चन बनाए गए। What is the bioagent for common mealybug? Which instrument is used to cut the hard branches and woody shrubs of the plant? Number of permanent cheek teeth in the cow, molar premolar वाला कांसेप्ट आपको क्लास में बताया हुआ है। Antheria acemens, है ना, ये अगेन क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो फोकस कर रहा है कहाँ पे, फोकस आपके एनिमल हस्बेंड्री पे जा रहा है, फोकस कहाँ पे हॉर्टिकल्चर पे जा रहा है। नेक्स्ट बोला गया कंडीशन जहां पे दो बैचेस मेल फ्लावर के और फिर आपके दो फीमेल फ्लावर के सेपरेट होगी, उस कंडीशन क्या बोला जाता है, डार्क ग्रीन स्ट्रीक और लोअर पोर्शन, मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला क्वेश्चन पूछा गया, है ना। मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन विद ऑप्शन देने वाला हूँ, बट अभी थोड़ा सा फास्ट चलूंगा बिकॉज मुझे सुबह फिर से अगेन क्लास लेनी है, बट क्वेश्चन आपको देने जरूरी थे। बट आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। मैंने 34 क्वेश्चन का क्लेम करा, तो 34 क्वेश्चन वो जो नोट से आए, तो मेरे पास एक्चुअली स्क्रीनशॉट्स इधर वहां से वेबसाइट से खोलता टाइम लगता, तो मैंने जस्ट ऐसे बच्चे के नोट्स खोले, स्टूडेंट लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था, वहां से फोटोज ली। तो कुछ एक फोटोज जो मैंने क्वेश्चन जो मिले मुझे डायरेक्टली नोट से या फिर कुछ एक पीपीटी से, वो यहाँ पे ऐड करें। सिल्वर फाइबर से पूछा गया था, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, ले फार्मिंग, ले फार्मिंग आप जानते हो लाइव स्टॉक से रिलेटेड एक्चुअली है, लाइव स्टॉक मतलब उनके फोडर से रिलेटेड है, ले फार्मिंग से क्वेश्चन पूछा गया। देन पूछा है कौन सा स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर, मैंने अगेन स्क्रीनशॉट लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हो ना, ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर का यहाँ पे नोट किया गया था। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग था, अलग अलग यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए गए, फिर क्रॉप्स के नाम दिए गए, वो हमें मैच करने थे। नेक्स्ट वन था साइट्रेट सोल्यूबल फर्टिलाइजर, है ना, बट वॉटर इन सोल्यूबल फर्टिलाइजर कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हो नोट्स के अंदर दिया गया था पॉइंट और क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट वन इज क्रॉप विच इज सेंसिटिव टू सोयल एल्केनिटी, एल्केनिटी पूछी गई थी, प्लस ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया गया था ESP लेस देन 15। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, पेपर के लेवल की अगर बात करो, अगर आप एनालाइज करोगे ना, पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट ये पेपर नहीं था, लेकिन पेपर ट्रिकी था ये, क्योंकि क्वेश्चंस को घुमाया गया था, सैलिनिटी की रेंज दे रहा है, एल्केनिटी पूछ रहा है ना, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, बट क्वेश्चन मॉडरेट बोल सकता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर ये नहीं था, बट समझना जरूरी था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया, नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन आपका जो दिख रहा है आपको, रेशियो बोला गया था रेनफॉल मंथली 50% प्रोबेबिलिटी एंड पोटेंशियल इवेपोरेशन, है ना, इसे क्या बोला गया था, अगेन आपके नोट्स का पार्ट था ही, आंसर आप यहाँ पे आपको मैंने दिखाया, आप अपने नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप खोल के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रॉस पूछा गया था बीकानेरी इव्स एंड मेरिनो का, ये देख लो आपका हिसार डेल, ये एनिमल हस्बेंड्री के नोट्स में मेंशन किया गया था। नेक्स्ट वन इज फ्रीजियन जो ब्रीड है वो किसकी ब्रीड पूछा गया, रोक मिनरल बोरोन का सोर्स पूछा गया था। नेक्स्ट आप प्रीकर्सर पूछा गया इंडोर एसिटिक एसिड का, फिर हॉर्मोन पूछा गया जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट बोला गया था विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अम्बलीफेरी फैमिली,
तो ये सारा हमारे हॉर्टिकल्चर का पार्ट था। नेक्स्ट बोला गया टंग ग्राफ्टिंग हम किस में यूज करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेंशन किया गया किसके अंदर हम टंग ग्राफ्टिंग को यूज करते हैं। फिर अगेन मैच द फॉलोइंग था डिजीज और उसको कुछ एक कॉजल ऑर्गेनिज्म लिखे हुए थे वो हमें मैच करने थे। नेक्स्ट वन इज सिल्वी कल्चर पे क्वेश्चन था है ना, आपकी लैंग्वेज क्वेश्चन की जो थी एग्जैक्ट वहां पे लिखी गई है, नीचे इधर आपको दिख भी रहा है जहां से वो आंसर आपको मिला। नेक्स्ट ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, रिसेंटली आई थिंक 3 or 4 days पहले हमने एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करा जहां पे एक क्वेश्चन डाला गया था और आपका क्वेश्चन आप इसमें से बोला कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसे मर्ज किया गया है, न्यू जल शक्ति मिनिस्ट्री विच हैज लॉन्च गोवर्धन योजना, तो ये आपके सामने आंसर है, ऑप्शन के अंदर ये आंसर था। नेक्स्ट बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, तो ये भी सेम आपका भी मैंने दिखाया था आपको कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, अगेन ये नोट्स का पार्ट था। नेक्स्ट कौन सा सीड है जिस पे वाइट टैग होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का पार्ट है, ये आपका नोट्स का नहीं था बिकॉज हम क्या करते हैं ना कि प्रेजेंटेशन अलग नोट्स अलग, तो ये प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिजीज ऑफ ग्राउंड नॉट ड्यू टू थ्रिप्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो थ्रिप्स से हमारी कौन सी डिजीज होती है यहाँ पे मेंशन किया गया, सेपरेट मेंशन किया जाता है मेजर इंसेक्ट कौन सी होते हैं मेजर डिजीज कौन सी होती है। नेक्स्ट बोला गया ऑर्डर क्या होता है ब्लैक सोल का, आपको याद होगा जब क्लास में पढ़ाया गया था तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ बीवी, बीवी कैसी है आपकी है ना, बीवी नहीं आपकी आई नो दैट, पर बीवी से याद होता है बी मतलब ब्लैक और वी मतलब व्हाट इज सोल, सो बीवी बन जाता है ना आपका आपकी वाइफ, आप फीलिंग मत लीजिए है ना, वैसा कुछ नहीं है जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज ये एलिवेशन से पूछा गया था, एलिवेशन और एलिवेशन के ऊपर से जब मूव करता है वो एलिवेशन होता है, जहां पे जाके डिपोजिट हो जाता है इट इज नोन एज एलिवेशन, तो ये दोनों टर्म यहाँ पे दी गई थी आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट वाला गया विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज द वैक्सीनेशन इज नॉट प्रिपेयर्ड येट, तो भाई मेटाबॉलिक डिजीज वैक्सीनेशन कहाँ से आ जाएगी है ना, तो ये आपका आंसर मिल्क फीवर था उसका राइट आंसर, मैं कल आपको ऑप्शन क्या देता हूँ क्वेश्चन ये, येलो कलर ऑफ द काउ मिल्क इज ड्यू टू, तो येलो कलर क्यों होता है, डाइजेशन कैसे होता है, काउ के अंदर येलो है और आपका भैंस के अंदर या फैलो के अंदर व्हाइट होता है, टोटल आपको लेक्चर में समझाया गया था। फिर बोला गया साइकोनस जो है फ्रूट टाइप किसका होता है, अब यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, अगेन ये नोट्स का पार्ट था हमारे, सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर सीरियल ग्रेन एंड ग्रासेस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल डिटेल आपकी मेंशन थी। नेक्स्ट बोला गया प्रोडक्ट है ना, ये कैलकुलेशन था, ये आई थिंक हमने 2 दिन पहले क्लास के अंदर करा है ना, बाई चांस था कि क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट का था डिस्कशन करना पड़ा क्लास में, तो इसने क्वेश्चन जो था ये पंजाब एडीओ एग्जाम में आया था, हमने मॉक टेस्ट के अंदर डाला हुआ था, पिछला मैंने दिखाया नबार्ड वाला क्वेश्चन डाला गया था मॉक टेस्ट में, ये एडीओ के अंदर आया, तो यहाँ हमने सेम कैलकुलेशन सीखी थी है ना। सो ये 34 क्वेश्चन थे जो हमने कवर किए हमारे नोट से, बाकी रिमेनिंग 6 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं, वो 6 क्वेश्चन प्लस इन सारे के ऑप्शन एग्जैक्ट लैंग्वेज आपको दूंगा, टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ शेयर कर दूंगा और होपफुली टाइम मिल पाएगा तो मैनेज करूंगा आपको वीडियो के फॉर्म में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, बट मेक श्योर स्ट्रेटजी बनाना, क्वेश्चन देने का पर्पस ये था कि तुम समझ पाओ एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, एग्जाम समझना बहुत जरूरी है, लोग ऐसे ही ऐसा होता है मैंने अक्सर देखा है ना, एक छोटी सी क्लास स्टार्ट करते हैं, एक इंटरक्रॉपिंग वर्ड स्टार्ट करा, वहां पे आधा घंटा चला दिया, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग है ना, एक सब्जेक्ट पे फोकस कर लेना, एग्रोनॉमी पढ़ लेना, करंट अफेयर्स पढ़ लेना, नहीं आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का। मैंने अक्सर बच्चों का एनालाइज करा है, बच्चों को अगर आप एक टॉपिक पढ़ाओगे आधे घंटे के लिए, लेट से एक वर्ड आया इंटरक्रॉपिंग की बात ही कर लेता हूँ, इंटरक्रॉपिंग अगर बच्चों को खोल के समझाया जाए ना 15-20 मिनट तक, बच्चा देख वाह यार सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हो, और अगर यही इंटरक्रॉपिंग 1 मिनट के अंदर समझा के चले जाए बच्चों को सर समझ ही नहीं आया, बच्चा ये नहीं समझ पाता कि हमें बहुत सारा कंटेंट कवर करना पड़ेगा और नहीं समझ पाते, तो प्लीज वीडियो को बैक कीजिए, 34 क्वेश्चन देखिए तब आप समझ पाओगे क्या इंटरक्रॉपिंग अगर सब्जेक्ट के अंदर घुसने से क्वेश्चन मिला यहाँ पे, नेवर, क्वेश्चन वैसा आया ही नहीं, हम जैसा डेप्थ में जाके पढ़ लेते हैं, विल हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग है ना, तो क्वेश्चन आप देखिए, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।